क्या आपको मेगालोडॉन से डर लगता है? अगर आप उन लोगों में से हैं जो मेगालोडॉन से भली भांति परिचित हैं, तो आपको यह बात पता होगी, मेगालोडॉन न केवल एक बड़ी शार्क थी बल्कि वे समंदर में पाए जाने वाला दानव था। जो लोग मेगालोडॉन के बारे में नहीं जानते, वे लोग हमारी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी के लिए वे लोग इतना जान लें कि मेगालोडॉन दुनिया की सबसे बड़ी शार्क थी जो कि धरती पे 1,60,00,000 साल पहले आई। मेगालोडॉन को उस समय का समंदर का राजा माना जाता था। वैज्ञानिकों के अनुसार इनका साइज 60 फीट तक हुआ करता था, यानी कि एक सिटी बस से भी ज्यादा बड़ी। इनका वजन 60 टन तक हुआ करता था, जो कि करीब करीब 10 हाथियों के बराबर है। अगर इनके जबड़ों की बात करें तो इनके दांतों की लंबाई 7 इंच तक होती थी और वे अपने शिकार पे 180 मीट्रिक टन के प्रेशर से वार करा करती थी। इतना प्रेशर तो एक लोहे को भी टुकड़ों में तोड़ सकता है। कोई जानवर इसके रास्ते में आया नहीं कि वे अगले पल ही मेगालोडॉन का शिकार बन जाया करता था। कुल मिला के बात ये है कि मेगालोडॉन चलती फिरती किलिंग मशीन थी। इन सभी बातों से आपको अच्छा खासा अंदाजा मिल गया होगा कि मेगालोडॉन कितनी खतरनाक थी। लेकिन अगर आप इस बात को लेकर खुश हो रहे हैं कि शुक्र है कि मेगालोडॉन आज जीवित नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच में मेगालोडॉन से भी ज्यादा खतरनाक क्रिएचर मौजूद हो सकते हैं। मारियाना ट्रेंच में ऐसे क्रिएचर्स के मौजूद होने की संभावना इसलिए है क्योंकि लोग मारियाना ट्रेंच को सिर्फ 3 शब्दों से जानते हैं। ये इस धरती की सबसे गहरी, सबसे काली और सबसे खतरनाक जगह है। मारियाना ट्रेंच हमारी धरती के सी लेवल से 10,994 मीटर नीचे है। इतनी गहराई में 60 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एक के ऊपर एक रखा जा सकता है। समंदर की इतनी गहराई में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, इसलिए समंदर का यह जोन घने अंधेरे में डूबा हुआ है और यही चीज मारियाना ट्रेंच को इतना खतरनाक बनाती है। सोचिए, अगर आप मारियाना ट्रेंच में हैं और कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई खतरनाक दानव आपके बगल में ही तैर रहा होगा और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा सोचना भी बेवकूफी है, क्योंकि इतनी गहराई में पानी का प्रेशर 15,750 पर स्क्वायर इंच होगा। इतने प्रेशर में एक इंसान की हड्डी पाउडर में चूर हो जाएगी और सारी नसें फट जाएंगी। लेकिन इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी 1960 में डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड नामक दो व्यक्ति मारियाना ट्रेंच में जाने में सफल रहे और तब जाके हम सबको दुनिया की सबसे गहरी जगह का पता चला। लेकिन इनके सफर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने कई सारे सवालों को उजागर किया। इनके सफर से पहले वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा था कि समंदर के इतनी गहराई में जीवन संभव नहीं हो सकता। लेकिन अंदाजा लगाइए कि इतनी गहराई में डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड ने सबसे पहले चीज क्या देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही वे दोनों मारियाना ट्रेंच में पहुंचे और जब अपनी मशीन के ग्लास से बाहर देखा, तो उनके सामने एक मछली तैर रही थी और उस दिन मानव जाति यह देखकर हैरान हो गई कि इतनी गहराई में भी जीवन मौजूद है। इस मछली को देखे सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे कि उनकी मशीन का आउटर ग्लास क्रैक होने लगा और वे दोनों तुरंत ही वहां से निकल गए। जैक्स पिकार्ड बताते हैं कि वे फिश एकदम फ्लैट थी और एक ही जगह रुकी हुई थी, जो कि उन्हें थोड़ा अजीब लगा। उनके अनुसार वे मछली करीब 1 फुट लंबी रही होगी और आज की तारीख तक अगर हम उस मछली के बारे में कुछ जानते हैं, तो वे है सिर्फ उसकी लंबाई। उस मछली के मिल जाने से एक बात तो पक्का हो चुकी थी कि मारियाना ट्रेंच में लाइफ है और वहाँ रहने वाले क्रिएचर्स मेगालोडॉन से भी ज्यादा खतरनाक इसलिए हो सकते हैं क्योंकि जरा सोचिए, वहाँ ऐसी मछलियाँ मौजूद हैं जो कि इतने अंधकार में भी शिकार कर लेती हैं। तो अंदाजा लगाइए कि इन मछलियों के पास कितने अनोखे हथियार होंगे। इनका साइज भले ही मेगालोडॉन जितना ना हो, लेकिन ऐसे क्रिएचर्स को कम आका नहीं जा सकता जो 15,750 पर स्क्वायर इंच के प्रेशर में भी जीवित हैं। और क्या पता शायद वहाँ ऐसे भी क्रिएचर्स मौजूद हो जो मेगालोडॉन और ब्लू व्हेल से भी ज्यादा बड़े हों। 1960 के बाद से लोगों की मारियाना ट्रेंच में दिलचस्पी बढ़ने लगी। आखिर डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड ने एक अलग ही दुनिया को खोज निकाला था। हर कोई मारियाना ट्रेंच के क्रिएचर्स के बारे में जानना चाहता था। साल 1985 में ग्लोमार चैलेंज नामक शिप में मौजूद लोगों ने ट्रेंच के रहस्य को खोजने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को गहराई में भेजा और कुछ ही देर में इंस्ट्रूमेंट्स में लगे हाइड्रोफोन्स ने एक अजीब और बेहद तेज आवाज को रिकॉर्ड किया। शिप में मौजूद लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि वे आवाज किसकी थी। इसके पहले कि वे लोग कुछ समझ पाते, जब उन्होंने अपने मॉनिटर की ओर देखा, तो उन्हें अजीब सी परछाई पानी में चलती हुई नजर आई। लेकिन तुरंत ही इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ी के कारण उन्हें वे इंस्ट्रूमेंट ऊपर खींचना पड़ा। उन्होंने यह पाया कि जिस केबल की मदद से इंस्ट्रूमेंट को नीचे ले जाया गया था, उसकी कंडीशन काफी खराब थी और अगर वे लोग थोड़ी देर और करते तो वे केबल टूट सकती थी। उन लोगों का मानना था कि केबल की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी चीज ने उस पर हमला कर दिया था।
लेकिन वे एक लोहे की केबल थी जिसे हानि पहुंचाना काफी मुश्किल था। ना तो उस परछाई का और ना ही उस आवाज का कुछ पता चल सका। क्या वे परछाई किसी रहस्यमय क्रिएचर की थी जो मारियाना ट्रेंच में घूम रहा है? उसी साल एक जर्मन रिसर्च यूनिट के साथ एक अजीब घटना घटी। उनका इंस्ट्रूमेंट मारियाना ट्रेंच तक पहुंचा भी नहीं था कि आधे रास्ते में उसने नीचे जाना बंद कर दिया। वे इंस्ट्रूमेंट एडवांस था जिसमें इंफ्रारेड कैमरा मौजूद था, और जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ने इंफ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल किया तो उन्हें अपने स्क्रीन में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो किसी को भी हैरान कर देगा। जब स्क्रीन को ध्यान से देखा गया तो वे चीज लाखों साल पहले खत्म हो चुकी लिजर्ड जैसे दिखने वाले फिश नजर आई। उस मछली का साइज काफी बड़ा था और वे इंस्ट्रूमेंट को खाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन लाखों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी मछली आज भी कैसे जिंदा हो सकती है? कहीं वे उन लोगों का किसी प्रकार का भ्रम तो नहीं था? और अगर भ्रम था तो वे इंस्ट्रूमेंट किस कारण से वहां रुक गया था? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वे चीज क्या हो सकती है? जब बात समंदर की गहराई के आए तो किसी भी संभावना को झुठलाया नहीं जा सकता। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि मारियाना ट्रेंच में जीवन होगा, लेकिन वहाँ लाइफ है। वहाँ कुछ ऐसे क्रिएचर मौजूद हैं जो इतने अंधकार में भी अपना शिकार ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं, जो इतने प्रेशर में भी आराम से तैर लेती हैं। सच में ऐसे क्रिएचर्स तो मेगालोडॉन से भी ज्यादा खतरनाक होंगे। इनके बारे में सोचकर तो ऐसा लगता है कि वे जीव हमारी धरती के नहीं बल्कि किसी और ग्रह से आए हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।